सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच के तत्वावधान में आगामी 14 जुलाई को वार्षिक कार्यक्रम काव्यांजलि 2019 का आयोजन होने जा रहा है। शहर मेदिनीनगर में आयोजित यह कार्यक्रम दो सत्रों में संपन्न होगा। प्रथम सत्र में देश भर से नवोदित कवि प्रतिभागी शिरकत करेंगे, जबकि इसी दिन दूसरे सत्र में शाम के 6 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच के अध्यक्ष अभिनव मिश्र ने बुधवार को मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता कर बताया कि कार्यक्रम के प्रथम भाग में नवीन प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से पधारे नवांकुर कवि भाग लेंगे। इनमें प्रथम 3 विजेता प्रतिभागियों को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शिरकत करने वाले देश के लोकप्रिय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों के साथ मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूद आयोजन समिति के कार्यकारिणी सदस्य सुधीर कुमार ने बताया कि कवि सम्मेलन में इस वर्ष कवि फिल्मी गीतकार संतोष यादव, राष्ट्रीय कवि गजेंद्र प्रियांशु, डॉक्टर भुवन मोहनी, अभिनव मिश्र, शेखर पारखी, बजरंग नाथ तिवारी और पंकज सिंह को आमंत्रित किया गया है। नमस्कार दोस्तों मैं अभिनव मिश्रा और राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच के तत्वावधान में ये द्वितीय वर्ष हमारा काव्यांजलि 2019 का आयोजन राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच करने जा रही है आगामी 14 जुलाई को अपने शहर डाल्टनगंज के टाउन हॉल में, जिसमें मुख्य जो हमारे इस बार कवि आमंत्रित हैं उसमें गीत ऋषि संतोष आनंद, जिन्होंने कई ऐसे नगमे दिए जिनको गुनगुना कर और जब हम उनको गुनगुनाते हैं तो हम झूम उठते हैं। जैसे कि अगर मोहब्बत का तराना अगर किसी एक सदी का कोई सॉन्ग डिसाइड करने को आया तो वो नगमा संतोष आनंद जी के कलम से निकला। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इस तरीके के हज़ारों और कई अनगिनत गीत लिखने वाले संतोष आनंद जी लखनऊ से हमारे बीच रहेंगे, गजेंद्र प्रियांशु जी और इंदौर से आ रही हैं आपके शहर में डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, मेरी भी उपस्थिति रहेगी और हमारे छोटे भाई पंकज सिंह उपस्थित रहेंगे, शेखर पाठी उत्तराखंड से आ रहे हैं और बजरंग नाथ तिवारी जो कि इलाहाबाद की पुण्य धरती से हमारे बीच रहेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है इन दो पंक्तियों के साथ कि 100 चांद भी चमके तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।